Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17, वाक्य विचार, फ्रेजियोलॉजी. शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका अपना कोई अर्थ होता है. वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं. जैसे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. उपरोक्त वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह है जो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है. वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. वाक्य के निम्नलिखित दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय. एक उद्देश्य, सब्जेक्ट. वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या विधान किया जाता है, वह उद्देश्य होता है. उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विस्तार, विशेषण होता है. जैसे, दिवाकर भोजन खा रहा है. उपरोक्त वाक्य में कर्ता दिवाकर है, जिसके संबंध में भोजन खाने की बात कही गई है. अतः दिवाकर उद्देश्य है. परंतु कर्ता के साथ कुछ अन्य शब्दों जैसे क्रिया, विशेषण आदि का भी प्रयोग होता है. इन पदों शब्दों को कर्ता का विस्तारक कहा जाता है. इस वाक्य में वाक्य का प्रधान कर्ता दिवाकर है. दो, विधेय, प्रेडिकेट. किसी भी वाक्य में उद्देश्य के बाद प्रयोग किए जाने वाले समस्त पद विधेय कहलाते हैं. अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है. जैसे, दिवाकर भोजन खा रहा है. वाक्य में दिवाकर कर्ता उद्देश्य है, जिसके विषय में भोजन खाने की बात की गई है. अतः भोजन खा रहा है पद विधेय है, क्योंकि यह पद उद्देश्य के विस्तार स्वरूप है. विधेय में प्रयुक्त होने वाले शब्द. विधेय के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, क क्रिया, ख क्रिया के पूरक, ग कर्म, घ कर्म की विस्तारक, क क्रिया वर्ब. वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले पद क्रिया कहलाते हैं. क्रिया के प्रयोग के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है. अतः वाक्य में क्रिया का प्रयोग आवश्यक है. ख क्रिया के पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. कुछ क्रियाओं के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य पूरक शब्दों या पदों की आवश्यकता होती है, जो पूरक शब्द या पद क्रिया के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं, क्रिया के पूरक कहलाते हैं. ग कर्म, ऑब्जेक्ट्स. वाक्य का वह पद जिसके द्वारा क्रिया के व्यापार के फल का ज्ञान होता है, कर्म कहलाता है. घ कर्म का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यदि किसी वाक्य में कर्म से पूर्व कर्म की विशेषता प्रकट करने वाले पदों अर्थात विशेषणों का प्रयोग किया जाए, तो इसे कर्म का विस्तार कहा जाता है. वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. वाक्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है, क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर. क अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं, एक विधानवाचक वाक्य, दो निषेधात्मक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 संकेतवाचक वाक्य, 5 संदेहवाचक वाक्य, 6 इच्छावाचक वाक्य, 7 आज्ञावाचक वाक्य, 8 विस्मयादिबोधक वाक्य. 1 विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस. वे वाक्य जिनमें सामान्य रूप से क्रिया के करने या होने का ज्ञान प्राप्त होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं. जैसे, मैं खाना खा रहा हूँ, रहीम नमाज पढ़ रहा है. 2 निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस. वे वाक्य जिनके द्वारा क्रिया के नकारात्मक, निषेध होने का बोध होता है, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं. जैसे, तुम बीमार नहीं हो, राजू ने दूध नहीं पिया. 3 प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस.
वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो अथवा जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, क्या बंदर नहीं नाचा? क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? 4 संकेत वाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, जब तक श्रुति स्कूल से न आ जाए तब तक तुम कहीं भी न जाना। 5 संदेहवाचक वाक्य डाउटफुल सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी कार्य के करने या होने में कोई संदेह होने का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, शायद शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, शायद रमेश स्कूल पहुंच गया होगा। 6 इच्छावाचक वाक्य विशफुल सेंटेंस। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना आशा आदि का भाव प्रकट होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उन्नति करो, मैं चाहता हूँ कि तुम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। 7 आज्ञावाचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी को आज्ञा या अनुमति देने का भाव प्रकट होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। 8 विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। वह वाक्य जिसके द्वारा प्रसन्नता, दुख, घृणा, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट करने का बोध होता है विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे, आ, कितनी सुंदर पहाड़ी है। खा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 सरल वाक्य, 2 मिश्रित वाक्य, 3 संयुक्त वाक्य। 1 सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है सरल वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया भी एक ही होती है। जैसे, 1 श्याम दौड़ता है, 2 श्रुति खेलती है। 2 मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य आश्रित उपवाक्य हो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे, मैंने देखा कि सेना में भगदड़ मची हुई थी। उपरोक्त वाक्य में मैंने देखा प्रधान उपवाक्य तथा सेना में भगदड़ मची हुई थी आश्रित उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 संज्ञा उपवाक्य, 2 विशेषण उपवाक्य, 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। 1 संज्ञा उपवाक्य नाउन क्लॉज। वह मिश्रित उपवाक्य जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे, सोहन ने कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उपरोक्त वाक्य में आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है। 2 विशेषण उपवाक्य एडजेक्टिव क्लॉज। वे आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है जो परिश्रम करता है। उपरोक्त वाक्य में जो परिश्रम करता है विशेषण उपवाक्य है। 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य एडवर्ब क्लॉज। वह आश्रित उपवाक्य जो किसी प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जहां जहां हम मैच खेले हर बार जीत गए। उपरोक्त वाक्य में जहां जहां हम मैच खेले क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 3 संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को स्वतंत्र रूप से किंतु, पर, या और आदि शब्द लगाकर आपस में मिलाकर लिखा जाता है संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे, उसने न केवल गरीब को लूटा
बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। उपरोक्त वाक्य में निम्नलिखित दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। उसने न केवल गरीब को लूटा तथा उसकी हत्या भी कर दी। उपरोक्त दोनों उपवाक्यों को बतिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगाकर आपस में मिलाकर संयुक्त वाक्य के रूप में लिखा गया है। संयुक्त वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं, एक संयोजक, दो विभाजक, तीन विकल्प सूचक, चार परिणाम बोधक। एक संयोजक कन्वीनर, वह वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य किसी अन्य साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, संयोजक कहलाता है। जैसे सीता खेलती है और रीता नाचती है। दो विभाजक सेपरेटर, वह वाक्य जिसमें साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों में परस्पर विरोध प्रदर्शित होता है, विभाजक कहलाता है। जैसे मुझे अध्यापक ने बहुत बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। तीन विकल्प सूचक ऑप्शनल, वह वाक्य जिसमें किन्हीं दो बातों में से एक की स्वीकृति का भाव प्रकट होता है, विकल्प सूचक कहलाता है। जैसे या तो तुम मैच जीत लो या फिर खेलना छोड़ दो। चार परिणाम बोधक कॉन्सिक्वेंशियल, वह वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य किसी दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम प्रकट करता है, परिणाम बोधक कहलाता है। जैसे मुझे लखनऊ में एक आवश्यक कार्य था इसलिए मैं कल नहीं आ सका। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्यों के भेद को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।